हेलो गाइस, आज हम लोग बेसिकली फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, फ्रॉड आखिर आजकल क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा लोगों के साथ। मेरे भी एक सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड होने का रीज़न उनका ये है, उनका रीज़न ये है फ्रॉड होने का, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ रिकमेंड करा उनको किसी ने कि आप ये वाला UPS यूज़ कर लो। जो UPS थर्ड पार्टी होता है पैसे निकालने और ट्रांसफ़र करने के लिए, जो गाँव में ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, उनमें बहुत सारे हैं, मिल जाएंगे आपको अप्लीकेशन, जैसे कि CCSE है और CSC है, पे नियर बाई हैं, और भी काफ़ी सारे हैं जो आपको मिल जाएंगे मार्केट में। बट उनको किसी ने रिकमेंड करा किसी APS यूज़ करने का, बताया किसी ने कि ये फ्री मिल जाएगी, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। जबकि कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जिसमें APS की सुविधा मिलती है आपको, वैसी एप्लीकेशन आपको अप्रोक्सीमेटली आपको 3000 इसके लिए पे करना ही पड़ता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3000 देने पड़ते हैं कम से कम, और भी कम के हैं, जैसे कि ये CCSE इसमें तो 299 का भी है, शायद 299 का और 399 का। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, रिटेलर के लिए अलग चार्जेस देने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग देने पड़ते हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग देने पड़ते हैं, और भी जो भी इनमें सर्विसेज हैं सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं, सबका चार्जेस सेम नहीं होता है। लेकिन 20,000 रुपये किसी का चार्ज नहीं होता है, है ना। उनसे बोला गया कि आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, आप यूज़ कीजिए इस एप्लीकेशन को। उनको आईडी भी मिल गई, आईडी प्रोवाइड कर दिया गया। बट जब उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, उन्होंने कस्टमर के अकाउंट से पैसे APS के थ्रू अपने वॉलेट में लिए, जो आपको उनको मिला था एप्लीकेशन उसके वॉलेट में। बट जब उसने अपने वॉलेट के पैसे बैंक अकाउंट में करा, मूव टू बैंक जिसमें होता है, जिसको कहते हैं मूव टू बैंक, जब उसमें उन्होंने करा तो उनके आईडी जो है ब्लॉक कर दिए गए। समझ रहे हो, जब आईडी ब्लॉक कर दिए जाएं और बात 20,000 की होती है ना, हम जैसे नॉर्मल लोगों को तो कैसे धक्का लगता है, समझ रहे हो। जब फिर उसने उस पर्सन के पास कॉन्टेक्ट करा तो फिर उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, यार आपको पैसे देने पड़ेंगे 20,000 रुपये इसके चार्जेस हैं, जब आपको यूज़ कर पाओगे आप इसको। सोचो कैसे हो रहा है फ्रॉड। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, अगर कोई भी APS आप यूज़ कर रहे हो किसी भी एप्लीकेशन की थर्ड पार्टी की, पहले उसके बारे में आप जान लो ये कैसा है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या है इसकी पूरी डिटेल, उसकी कस्टमर सर्विस कैसी है, इसमें फ्रॉड वगैरह की घड़ी कैसी होती है। यूट्यूब पे आपको हर एक जो भी मतलब एप्लीकेशन है ना थर्ड पार्टी वाला, काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी यूट्यूब पे, तो लगभग हर एक चीज़ की वीडियोज़ मिल जाएगी आपको। आप लोग बेवकूफ़ हो जो ऐसे यूज़ फ्रॉड हो जाते हो आपके साथ। फ्रॉड ऐसे कोई चाहता नहीं है कि फ्रॉड हो जाए हमारे साथ, बट ये भी कूफी है, फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब आपको पता है कि इसके चार्जेस देने पड़ते हैं, फिर भी आपको फ्री के चक्कर में पड़ रहे हो, इसमें फ्री के चक्कर में आप जा रहे हो, आपसे ये नहीं समझ में आ रहा आपको कि मेरे से ये किसी ना किसी तरह ये वसूली किया जाएगा। कभी कभी होता है ना, जो फ्री होता है काफ़ी महंगा पड़ जाता है, वैसे हो गया इनके साथ भी। इन्होंने बोल रहा है मेरे साथ कि मुझे कोई हेल्प कीजिए। मैंने इनको बताया कि देखिए मैं आपका कोई हेल्प तो इसमें नहीं कर सकता हूँ। अगर उसने बोल रहा है कि पैसे दो, तो आप उसको बोल दो कि आप अपना बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल दो, उसकी डिटेल लो आप और उसके ऊपर FIR करो। दूसरा ऑप्शन तो कोई है नहीं, ऐसे तो वो देगा नहीं, वैसे तो करेगा नहीं। और जब आपकी जो 20,000 रुपये वॉलेट में पड़े हैं जो लॉक हो चुके हैं, वो शायद मिल जाएँ, और ये कन्फर्म नहीं कह सकता हूँ कि मिल ही जाएँ, क्योंकि इसमें पुलिस भी कुछ नहीं करती है, वो भी डायरेक्ट मना कर देती है, गलती आपकी है। बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा गया है ना। तो इन सब फ्रॉडों से बचा करो आप लोग यार, क्या क्या कभी कभी कुछ भी हो जाता है फ्रॉड के चक्कर में, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो। देखिए फ्रॉड किसी तरह भी हो सकता है, और जो बैंकिंग वाले होते हैं ना, जो कॉल करते हैं आपको किसी तरह की रिकमेंड करते हैं, या कस्टमर सर्विसेज वाले उनकी क्वेरी गई होती है आपके पास, वो आपको डिटेल देने के लिए कॉल करते हैं, वो फ्रॉड की तरह बात ही नहीं कर सकते। उनकी बात करने की तरीका अलग होती है, फ्रॉड वालों की अलग होती है। या तो वो ज़्यादा मक्खन लगा के बात करेंगे फ्रॉड वाले, या तो ज़्यादा वो बदसलूकी से बात करेंगे, है ना, या तो फिर नॉर्मल बात करते हैं। लेकिन ज़्यादातर निकलते हैं जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा मक्खन लगा के बात करते हैं भाई, मक्खन समझ रहे हो ना, बिल्कुल मोहब्बत की नज़र से बात करते हैं। सो इनके चक्रों से बचो, फ्रॉड की जो घड़ी होती है ना, इनके जो पंगो होते हैं इनसे बचो। और कोई भी फ्री की चीज़ रिकमेंड कर रहा है उसके चक्रों में ना पड़ो आप, समझ रहे हो ना, क्योंकि दुनिया में कोई भी फ्री चीज़ आजकल ख़त्म हो चुका है, कोई भी फ्री चीज़ फ्री में आपको मिलने वाला नहीं है, समझ रहे हो ना। और भी काफ़ी सारे लोगों को मैंने सुना है कि गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के थ्रू इनको फ्रॉड हो जाता है। ये कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। किसी ने आपको कॉल कर रहा होता है कि आपने सर ट्रांजेक्शन करा और आपको एक स्क्रैच कार्ड मिल चुके हैं, या आपको कोई ऑफ़र मिला है, जो आप ऑफ़र को क्राइटेरिया उसको कंप्लीट कर चुके हैं, वो ऑफ़र को आपको एक्सेप्ट करना है ना, वो पैसे आपके अकाउंट में चले आएंगे। और वो क्या करता है, पर्सन आपको रिक्वेस्ट कर देता है आपके फ़ोन पे वो रिक्वेस्ट कर देता है। जब वो आप रिक्वेस्ट कर देता है, रिक्वेस्ट भेज देता है अमाउंट का,
और बोलता है आपको कि यहाँ पे इस ऐसी कीजिए, पेमेंट कीजिए, आप वहाँ पे अपना UPI डाल दीजिए। पेमेंट करने को डायरेक्ट बोलता नहीं है, वो बोल देता है UPI डाल दीजिए, आपके अकाउंट में पैसे चला जाएगा। बट कि वो रिक्वेस्ट होता है, जो आपको रिक्वेस्ट करेगा, जैसे कि हम लोग ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हैं या फिर फ्लाइट वगैरह की बुकिंग करते हैं तो रिक्वेस्ट कर लेते हैं फ़ोनपे पे, गूगल पे पे, या और भी योनो अब SBI हैं, कोई भी भीम UPI पेटीएम वगैरह पे कर लेते हैं रिक्वेस्ट, और UPI के थ्रू पेमेंट कर लेते हैं हम लोग, समझ रहे हो ना। इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करोगे तो ये सब चीज़ें नहीं होती है, डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हो, रिक्वेस्ट वाली सिस्टम नहीं होती है। वैसे ही वो रिक्वेस्ट कर देता है, और जब हम लोग पे करते हैं, हम लोग समझते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे जब हम अपने UPI दबाएंगे, तो UPI कभी भी इंटर करने से अकाउंट में पैसे नहीं आते, अकाउंट से पैसे कटते हैं। बात समझ में आ रही है? UPI डालने से यानी इंटर करने से किसी भी रिक्वेस्ट में या किसी भी थर्ड पार्टी में या किसी भी वेबसाइट पे आपको अगर आपसे UPI मांगा जा रहा है, वहाँ पे अगर आप अपने UPI डालते हो तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, पैसे डेडिकेट होंगे आपके, समझ रहे हो। ऐसी काम नहीं करो जिससे आपकी लॉस हो जाए और फ्रॉड हो जाए आपके साथ, इन सब चीज़ों से बचा करो। और गाइस, क्या हाल समाचार है आप लोग, कमेंट करके बता देना मुझे, मैंने पहले नहीं पूछा, सॉरी। बट आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ, है ना, और बढ़िया चल रहा है बाकी, माहौल शांति बनाए रखें अपने आसपास, और एजुकेशन के दौर में आए, सीखें किसी से, और अगर आप कुछ भी जानते हैं तो किसी दूसरे को सिखाने की कोशिश करें। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि UPI डालने से कभी भी अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, और कोई भी आपको रिकमेंड कर रहा है ऐसे सिचुएशन के लिए तो आप कभी भी ना करें, उसको डायरेक्ट मना कर दें या उसको सुना दें अच्छे से। अच्छे, इस पर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान ना दें अगर कोई फ्रॉड के चक्करों में पड़ रहा है। आपको फ्री की चीज़ अगर रिकमेंड किया जा रहा है ना, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दो, बिल्कुल मना कर दो, सर मुझे नहीं चाहिए चीज़ें, आप बस कॉल ना करो, रहने दो बस। और जो बैंकिंग वाले होते हैं ना, जो लोन वगैरह के लिए कॉल करते हैं हमारे पास, इंश्योरेंस के लिए कॉल करते हैं, ये देखिए इनको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन मतलब होता है इनको भी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं होता, होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इनको भी उस पर इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन मिलता है इनको, समझ रहे हो ना। ये भी रिकमेंड करते हैं बट उस तरीके से फोर्स नहीं करते हैं, सर आप ले ही लो, आप ऐसे करो ही, ये बेहतर है, ऐसे होगा वैसे होगा, ये ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अगर लेना है आपको जब ही ये आपसे संपर्क करेंगे, अदरवाइज ये या फिर ऐसे भी होता है कि जो आपका सिविल स्कोर है ना वो स्ट्रॉन्ग रहता है तो आपको रिकमेंड किया जाता है बैंक की तरफ से, तो जेन्युइनली होता है, ऐसे फ्रॉड नहीं होता है उनके साथ, बिल्कुल फ्रॉड की कोई चक्कर नहीं होती है, और उनके आपका डिटेल होता है उनके पास, आपकी डिटेल के साथ वो बताते हैं, है ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ बार बार, क्योंकि बार बार बोलना यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार ये सही नहीं लगता है ना, समझदार हो आप लोग, कर दिया करो चैनल को सब्सक्राइब। तो थैंक यू।